हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग सीखेंगे पैसिव इनकम के बारे में। पैसिव इनकम क्या है? एक्चुअली पैसिव इनकम उसी को कहते हैं जो एक बार उसमें किसी भी तरह से इन्वेस्ट कर देने के बाद जो रेगुलर रेगुलर इनकम दे, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? जो भी जॉब होल्डर्स हैं या फिर जितने तरह के भी नौकरी पेशा है ना, वो ये सब नौकरी ये पैसिव इनकम में नहीं आते हैं। इसको ये इरेगुलर इनकम है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा कमाएंगे इसमें। और वॉरेन बफेट कहते हैं इसी में कि यदि आप सोते सोते पैसा नहीं कमाना सीखें तो आपको सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं 3 से 5 साल के अंदर पैसिव इनकम का सोर्स जेनरेट करूं, नहीं तो मुझे 40 साल तक नौकरी करना पैसिव पड़ेगा। इनकम जो है, पैसिव इनकम सेम एज ए आम के पेड़ की तरह है, जिसको तैयार होने में 5 से 10 साल के लगभग लगता है। उसके बाद ये रेगुलर फल देने लगता है। सेम उसी तरह से पैसिव इनकम, आप 3 से 5 साल तक उसमें मेहनत कीजिए, उसके बाद एक बार कंटेंट रेडी हो जाने के बाद वो है सो रेगुलर इनकम देने लगता है। ये पैसिव इनकम है। एक सीमित एरिया था पैसे कमाने का, जिसमें पैसे कमाने का मेन इनकम माना जाता था इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, नहीं तो अकाउंटेंट हो गया। बस ये 3-4 एरिया थे जिसमें जाने के बाद मैक्सिमम आदमी सोचता था कि हाँ गया, हम सक्सेस हो गए हैं और पैसा कमाना शुरू कर दिए हैं। जिसमें मैक्सिमम अभी जो है इंडिया में मैक्सिमम क्या है, लानियर इनकम के बारे में सोचते हैं। लानियर इनकम इनकम मीन्स आप जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा कमाएंगे, और मेहनत करना बंद यानी फिर पैसा आना बंद हो जाता है। सेम एज सपोज मान लीजिए कि मेरा किसी तरह से हॉस्पिटलिटी हो जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, अपना जो सोर्स नौकरी जाने के लिए बंद कर देते हैं और मेरा इनकम ऑफ सोर्स उस टाइम खत्म हो जाता है, यानी इनकम खत्म हो जाता है। ये इसको लैनियर इनकम बोलते हैं। लैनियर इनकम में जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा मिलेगा, मेहनत बंद पैसा बंद। पैसिव इनकम मेन जनरेट करने का 3 चीजें जरूरी है। आपके पास स्किल क्या है, आपका पैशन क्या है, और आपके पास टैलेंट क्या है। क्या स्किल एक्चुअली जनरली किसको बोलते हैं? स्किल जो सीखी जा सकती है वो स्किल हो गया। कोई भी चीज जिसे आप सीखते हैं करने के लिए, वो आपके पास स्किल है जिसको आप अपने ऊपर जनरेट कर सकते हैं, वो स्किल हो गया। उसके बाद आते हैं मेरा स्किल, उसके बाद टैलेंट। टैलेंट क्या है? टैलेंट के एक्चुअली जन्म से रहता है, गॉड गिफ्टेड रहता है। इसको गॉड गिफ्टेड भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे क्या वर्ल्ड में आए हैं जिन जो गॉड गिफ्टेड है, जो जिन बहुत शुरू से स्टार्टिंग से ही बहुत तेज रहते हैं। एक होता है पैसन। पैसन जो डीपली डीपली जिसमें हम इन्वॉल्व रहते हैं, डीपली जो अट्रैक्टिव रहता है, जिसको जिसको हम करना चाहते हैं, वो हो गया पैसन, जिसको करने में अलग से आनंद भी मिलती है। पैसिव इनकम करने के लिए आप कोई भी सेक्टर को चुन सकते हैं, जैसे कि हो गया आपका मेंटर हो गया, कोच हो गया, टीचर हो गया, ट्रेनिंग हो गया। इस तरह से आप यदि आपके पास जो भी स्किल है उसको आप यूज करके आप पैसिव इनकम का स्रोत जनरेट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि पैसिव इनकम करने के लिए आप बहुत बड़ा टैलेंटेड हो वही पैसिव इनकम कर सकते हैं। आपके पास आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इस टाइम आप सोशल मीडिया में रहकर बहुत सारा पैसा जनरेट कर सकते हैं, पैसिव इनकम का स्रोत बना सकते हैं। तो आज हम लोग ये जानने कि पैसिव इनकम करने से हम लोग आगे किस तरह से अपने फ्यूचर को संभाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैसिव इनकम में क्या करना है उसके बारे में सीखेंगे। तो अगला वीडियो जानने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।